और भाई मेन ये वाली और ये वाली इन दोनों में कम देख रहे थे कौन सी अच्छी लगी, लेकिन तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और मैं एकदम बढ़िया। 12:25 का टाइम हो चुका है और आज का दिन भाई बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होने वाला है मेरे लिए, क्योंकि आज मैं इसकी एक और सहेली को घर पे लाने की तैयारी कर रहा हूँ और आज मैं अपनी Z900 को बुक करवाने के लिए जा रहा हूँ। तो भाई मैं जा रहा हूँ अभी दिल्ली और कावासाकी करके दिल्ली में इनका शोरूम है कावासाकी का, और अभी 12:25 का टाइम हो चुका है और धूप काफ़ी तेज़ है यार। आज 2-3 दिन से बारिश हो रही थी, इस वजह से पोस्टपोन होता रहा अपना जो बाइक बुक करवाने का प्रोसेस था, लेकिन आज फाइनल हो गया। आज भी कैंसिल ही हो गया था लगभग, लेकिन बस वही है कि भाई मूड बन गया तो चलो करवाई आते हैं। और अभी मैं निकलता हूँ दिल्ली के लिए और भाई आज फाइनली अपनी बाइक बुक हो जाएगी। मुझे निकलना है 1 बजे दिल्ली के लिए रोहतक से, परवीन भाई के साथ मैं अभी दिल्ली जाऊँगा और अपनी बाइक बुक करवा के आएंगे। तो भाई सपने देखे हैं उसको धीरे धीरे पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, और बस सपने पूरे करो भाई, देखोगे नहीं पहले सपने देखो, सपने अच्छे होने चाहिए जो अचीवेबल हो। ये नहीं कि आप एकदम से ये सोच लो कि भाई मेरे को तो हेलीकॉप्टर लेना है, पॉसिबल नहीं है भाई। धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करके हेलीकॉप्टर भी आ जाएगा, उस चीज़ की वो नहीं है, उसके हिसाब से आप मेहनत करोगे तो सारे काम होंगे। भाई मैंने सपना देखा था कि हाँ भाई मैं अपनी एक स्पोर्ट्स बाइक खुद की ऑन करूँगा और अपनी अर्निंग से, मतलब भाई मेरे को बाइक चाहिए, तो भाई मैं अपनी बाइक आज, मतलब बार बार मुँह से यही बात निकलने वाली है कि भाई मैं आज अपनी बाइक बुक करवा के आऊँगा, क्योंकि यार एक्साइटमेंट नेक्स्ट लेवल हुई पड़ी है, बिल्कुल बस पूछो मत, मतलब अलग सी खुशी है। अभी ये लगा लो 1 बजे निकलेंगे और 2-3 बजे के आसपास अपना पहुंच जाएंगे, और आज का व्लॉग इतना बढ़िया मस्त होने वाला है, एकदम नेक्स्ट लेवल, क्योंकि भाई आज प्रॉपर कैमरा है, प्रॉपर माइक है, सारी चीज़ें एकदम सही दिखेंगी। पिछली बार जब मैंने बाइक का व्लॉग बनाया था Z900 का, तो उसमें ना तो आवाज़ थी ना कुछ, और मतलब अच्छा मज़ेदार ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन आज सारी चीज़ें मैं घर से सभी चीज़ें प्रिपेयर करके निकला हूँ, क्योंकि भाई शुरुआत हो चुकी है बाइक लेने की, तो पहला प्रोसेस आज कंप्लीट हो जाएगा। तो और मैं सोच रहा हूँ कि न्यू ईयर पे या फिर 2 या 3 मतलब जैन के फर्स्ट वीक में अपनी बाइक की डिलीवरी लूँ, और जैसे JS फिल्म्स के नाम से जसविंदर पाजी हैं और ऐसे यूट्यूबर्स जिनके साथ मैं उनके ग्रुप में जुड़ सकता हूँ, तो उनको भी अपना जैसे डिलीवरी के लिए उनको इन्वाइट करेंगे, तो और क्या कहते हैं डिलीवरी भी मतलब सेम डे देखते हैं अगर पॉसिबल होता है तो। ये लगा लो करीब करीब 6 यूट्यूबर्स जिनको मैं काफ़ी टाइम से फॉलो कर रहा हूँ, तो अगर पॉसिबल हुआ तो सभी को बुलाएंगे भाई, मतलब एक अच्छी सी अपनी डिलीवरी वाली वीडियो आएगी, प्रॉपर शूट करेंगे उसको, मतलब मज़ा आएगा। तो यार एक्साइटमेंट तो इतनी ज़्यादा है बस पूछो मत, तो देखते हैं भाई। वीडियो को ज़रूर लाइक करना, शेयर कर देना, क्योंकि कुछ टाइम बाद जिस दिन मेरी बाइक आएगी उसके बाद जो कंटेंट आएगा ना उसका लाजवाब भाई, उस पर लंबी लंबी राइड भी करनी है, बाहर जाएंगे कश्मीर टू कन्याकुमारी, कभी लद्दाख, मतलब सारी चीज़ों का एक्सप्लोर हम उसी बाइक पे करेंगे। इस पे भी कर सकते हैं लेकिन भाई वो थोड़ी सी ज़्यादा इस चीज़ में कैपेबल है, क्योंकि ये जाती सिर्फ 80-90 हाईवे पे, इससे ज़्यादा लेके जाएंगे तो प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, लंबे रास्ते पे ऐसे इतने तेज भगा नहीं सकते, क्योंकि भाई इसकी कैपेसिटी इतनी है, और उस बाइक की टॉप गियर भी वो 160 पे पकड़ती, इसकी तो मीटर ही ख़त्म हो जाता है यहाँ पे आगे उसका, तो चलो वो बाद की बातें। तो वीडियो में बने रहो लास्ट तक और भाई देखते हैं कि कौन सा कलर क्या कुछ कैसे है, वो सारी चीज़ें आपको डिलीवरी पे देखने को मिलेंगी। वो अभी क्योंकि यार मैंने स्टार्टिंग में बता दिया कि मैं कौन सी बाइक ले रहा हूँ, तो सरप्राइज़ तो वैसे ही ख़त्म कर दिया, लेकिन भाई एक सरप्राइज़ ये ज़रूर रख सकते हैं कि हाँ इस कलर की बाइक ले रहे हैं, वो सरप्राइज़ रहेगा, वो मैं अभी डिस्क्लोज़ नहीं करूँगा, क्योंकि भाई कुछ ना कुछ तो सरप्राइज़ होना चाहिए ना पब्लिक के लिए। आप लोग सपोर्ट करो, ऐसे ही धीरे धीरे करके ग्रो करेंगे और आपको अलग अलग जगह दिखाएंगे, मतलब उस बाइक पे कहाँ कहाँ मैं ट्रैवल करूँगा,
तो भाई ये लगा लो बस एक्साइटमेंट, मतलब रुका नहीं जा रहा यार, बस ये हो रखा है कि अभी बस पहुंच जाओ बस, और कुछ नहीं। तो अभी 10-15 मिनट में मैं पहुँच जाऊँगा और जल्दी हम यहाँ से निकलेंगे। आज मेरे साथ ये दोनों होने वाले हैं, अगर दोनों को टाइम लग गया तो देखो बाकी सुबह बात तो हुई थी हमारी कि ठीक है भाई दक्ष जा रहा है रोहिणी, तो अगर पॉसिबल हुआ तो उधर की उधर आके वीडियो बनाएंगे, तो भाई मज़ा आएगा। आज की वीडियो भी कुछ अच्छी होने वाली है, तो मैं बाइक का अच्छे से टेस्ट ड्राइव लूँगा और सारी चीज़ें अच्छे से करेंगे। तो भाई परसों मैं व्लॉग शूट कर रहा था तो उसकी वीडियो तो मैं कंप्लीट नहीं कर पाया क्योंकि मैं तिलियार पे जा रहा था, तो वहाँ का कुछ दिखाना था मेरे को, तो वो तो कंप्लीट नहीं हुआ। तो उसकी मैं क्लिप आपको ज़रूर दिखाऊंगा। यहाँ पे इस पेड़ के पास ये टर्न है जो एग्जैक्ट यहीं पे इस एरिया पे एक्सीडेंट हुआ था भाई, बहुत जबरदस्त तो भाई यहाँ पे किसी का ऊपर जबरदस्त एक्सीडेंट हुआ है और शायद है साइकिल वाले या बाइक वाले पता नहीं, तो मैं दिखा दूंगा। तो अभी जिसका एक्सीडेंट हुआ उसको तो गाड़ी में लेके जा रहे हैं हॉस्पिटल में, काफी ज्यादा चोट लगी है। मतलब यार क्या सिर्फ टूटा पड़ा है, पीछे फैमिली वाले उसके साथ, मतलब एक हेलमेट किस चीज की शर्म है भाई, अपनी सेफ्टी खुद की है। आदत ऐसी होनी चाहिए कि बिना सीट बेल्ट और हेलमेट के गाड़ी व्हीकल कुछ भी ना चलाया जाए। तो भाई अपनी सेफ्टी का ध्यान खुद रखो और अपनी फैमिली के लिए सिर्फ आप ही हो जो रिस्पॉन्सिबल होगा। अगर कुछ हो जाता भाई भगवान करे वो बंदा ठीक हो, लेकिन अगर उसको कुछ हो गया तो उसकी फैमिली का क्या होगा भाई, अपने पीछे देखो। तो सारी चीज़ें लिमिट में होनी चाहिए, अपने प्रॉपर सेफ्टी गेयर्स के साथ अपना व्हीकल को ड्राइव करना चाहिए। तो भाई ध्यान रखो इस चीज़ का यार। तो भाई अभी पहुँच चुके हम अपना ओरम कावासाकी और अभी अपना प्रोसेस शुरू करते हैं। और भाई ड्रीम्स केम ट्रू वो वाली फीलिंग, हाय क्या कहने। तो अभी इनमें से कोई स्पेशल बाइक जो अपनी अभी बुक होने वाली है तो देखते हैं और टेस्ट ड्राइव वगैरह सारा सब कुछ करेंगे। सर ये बताओ कैसी है जगह, एक नंबर। और भाई मेन ये वाली और ये वाली इन दोनों में कम देख रहे थे कौन सी अच्छी लगी, लेकिन लुक्स वाइज ये थोड़ी सी ज़्यादा बेटर लगी मेरे को। और भाई शब्द कम पड़ जाएंगे, तो आज सुबह से मैं बस ये बात रिपीट कर रहा हूँ, तो आप भी देख सकते हो कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा था। और अभी थोड़ा बहुत सिनेमैटिक्स ले लेते हैं बाइक के और टेस्ट ड्राइव लेंगे। और आज वाली वीडियो में फेस अभी दिखा है तो एक्साइटमेंट अलग ही है। बेबी इज कमिंग होम सून, तो जैन में हो सकता है, मोस्ट प्रोबेबली जैन में डिलीवरी लेंगे इसकी, तो अभी बुक करवा देते हैं। अपना बुकिंग का प्रोसेस हो चुका है शुरू, तो मैंने अभी दिखाई दी वीडियो में इस साइड वाले, तो वो वाला कलर हम सेलेक्ट कर रहे हैं। और अभी पेमेंट मैंने जस्ट अभी पेमेंट किया, 10,000 बुकिंग अमाउंट है। और सर डिलीवरी चाहिए जैन में, दो या तीन जैन के आसपास डिलीवरी लेनी है, ठीक है। उससे पहले अगर पॉसिबल होता तो पहले भी ले सकते हैं, दो या तीन जैन, मतलब जैन का फर्स्ट वीक अपने बाइक इधर से जाएगी। और भाई मेंशन कर दिया जैन, अगर पॉसिबल हो तो उससे पहले भी लेके जा सकते हैं। तो भाई अभी टेस्ट ड्राइव के लिए अपनी बाइक बाहर जा रही है और मैं एक बार ऑडियो चेक कर लूँ ताकि पिछली बार की तरह स्वाद ना ख़राब हो जाए। तो भाई परवीन भाई अपनी वीडियो बनाएंगे इधर से और अपनी टेस्ट ड्राइव लेते हैं एक बार, पहले तो मैं इसकी ऑडियो चेक करवा देता हूँ थोड़ी सी, अगर माइक अच्छे से कैच कर पा रहा होगा तो। भाई ये है स्ट्रोक आवाज़ और ठीक है, तो अब मजा आएगा यार।
अट्रैक्ट करने की इतनी ज़बरदस्त चीज़ है, पूछो मत। पावर, कंट्रोल, सारी चीज़ें इतनी ज़बरदस्त। और एक बार थोड़ा सा खींच के देखते हैं इसको। ओ भाई, डरा रही है। पता नहीं कितनी, मतलब इतनी सी उसमें कितनी तक गई थी पता नहीं, मतलब ऐसे जा रही है यार एकदम बूम बूम। बस पूछो मत, खाली रोड नहीं है यार, बस यही कमी रहेगी। पिछली बार भी एज इट इज़ ऐसा ही हुआ था, खाली नहीं था, और अब की बार भी एज इट इज़ वही चीज़ हो रही है। मतलब सही है भाई, एक बार बस ये घर आ जाए इसका मज़ा तो फिर आएगा अलग से। मतलब बस भाई बात तक ही नहीं जा रही, मतलब यार क्या शब्द ही नहीं है यार, क्या कहने। बस कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि कैसी है, मतलब हाँ भाई है चीज अल्टीमेट यार। ये आवाज मतलब जबरदस्त है यार। तो भाई बताना कि जब ये बाइक आएगी तो कैसे लगे। अभी ये है रोड मोड में, पावर बहुत ही लो है भाई फिलहाल। अगर स्पोर्ट्स में होती है तो पूछो ही मत, अलग ही नेक्स्ट लेवल पिकअप वगैरह सारी। अभी भी इसमें भी आ रहा है ऐसे, मतलब उसको कुछ पीछे जा रहा है। तो एक बार थोड़ा सा आगे तक लेके जाएंगे। तो चलो भाई, रिस्क तो क्या है यार, एक बार लाइट्स वगैरह कहाँ से ऑन होंगी पता नहीं। चलो जो भी है, लाइट्स के भी रिक्वायरमेंट भी नहीं है। तो एक बार आगे वाली रेड लाइट पे जाएंगे, वहाँ से टर्न कर लेंगे और यहाँ से खींचेंगे इसको थोड़ा सा। भाई बिल्कुल इजी टू राइड बाइक है, कोई है, मतलब है सच कोई इश्यूज़ नहीं है। मतलब ब्रेकिंग वगैरह सारी चीज़ें एकदम मस्त। अरे यार इजी टू मैन्यूवर यार। ओ भाई मतलब पावर देख रहे हो, मतलब कैमरा जस्टिफाई कर रहा है कि नहीं ये मेरे को नहीं पता यार, लेकिन हाँ नेक्स्ट लेवल है भाई। क्या मतलब क्या ही कहूँ, खाली रोड मिला और जस्ट ये बूम ऐसे हल्का सा थ्रोटल दिया सीधा 100 के ऊपर। तो एक बार खाली रोड मिल जाए बस, तो अपना एक बार देखते हैं क्या कुछ कितनी जाती है। भाई साहब धूम वाली फील आ रही है एकदम, जैसे जॉन अब्राहम वाली। शाबाश। तो भाई मेरा आ गया था बीच में कॉल, और ये उधर कावासाकी का शोरूम आ गया, मैं ठीक ही आया हूँ, कोई गलत मतलब वो नहीं था। तो एक बार अभी जाके बाइक हैंडओवर करते हैं। और भाई बस एक ये हॉर्न थोड़ा सा मेरे को कमी फील हुई, बाइक शोरूम वालों का भी कॉल आ गया कि भाई कहाँ रह गए। भाई जायज है, बिल्कुल जायज है यार, बिल्कुल जायज है ऐसी मशीन के लिए, क्या कहने यार। मतलब हाथ में ये चीज़ आई और आते ही अपने आप व्लॉगिंग अलग ही नेक्स्ट लेवल अपने आप शुरू हो गई यार। मतलब बस खुशी अलग होती है यार सही में, जो चीज़ आपको अच्छी होती है और आपको मिल जाए ना, तो उस चीज़ का तो कोई मुकाबला ही नहीं है। और ये आ गए अपने प्रवीण भाई। तो सारी चीज़ें एकदम परफेक्टली एकदम मस्त, मज़ा आया यार। और हाँ लास्ट में और स्टार्टिंग में कुछ ऐसा दिखता है, ये देखो ये मैंने दिखाया नहीं, कावासाकी जाते लास्ट में भी ऑफ होते तब भी और ऑन होते हैं तब भी। तो भाई टेस्ट ड्राइव लेने तो ढंग से लो, मतलब ना। तो भाई अभी वापस आ चुके हैं और एक बार कीज रिटर्न कर देते हैं और अपना निकलते हैं, अपना वो जो थोड़ा बहुत और काम है थोड़ा घूमना फिरना। तो सर ये लीजिए आपकी चाबी, गजब। तो भाई मैं अभी रोहतक आ चुका हूँ और जस्ट मैंने अभी अपनी गाड़ी पिक करी है। तो भाई आज का दिन काफ़ी नेक्स्ट लेवल, बिल्कुल अल्टीमेट गया यार मेरा।
मतलब छोड़ो कुछ नहीं, ये बाद की बात है। तो लेकिन हाँ भाई, मेरे सपने धीरे धीरे करके पूरे हो रहे हैं, तो भाई मैं उसी के अकॉर्डिंग, अब ये लगा लो कि इतनी महंगी बाइक ले रहा हूँ तो उसको मेंटेन करने के लिए मेरे को ये लगा लो जो अभी है इससे 3 से 4 गुना ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। करेंगे भाई, शौक बड़े पाल रहे हैं तो फिर उसके हिसाब से काम भी ज़्यादा करना पड़ेगा। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पे एंड करता हूँ और भाई अपना आराम से ड्राइव करता हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट भी हो चुका है। करीब करीब ये लगा लो 10:57, 11 ही बज गए यार, काफ़ी लेट हो गया। वैसे रोहतक से वैसे काफ़ी लेट ही गया था मैं, कोई 2 बजे के आसपास निकले होंगे, लेकिन फिर भी यार पूरा टाइम पे सही आगे। और रेगुलर ब्लॉग्स वगैरह आएंगे भाई, और जितना ज़्यादा जल्दी होगा उतनी ज़्यादा जल्दी बाइक भी आएगी अपनी, और फिर उस पर लंबी लंबी राइड्स भी करेंगे। तो चैनल को भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो, और वीडियोस पसंद आए तो लाइक भी कर देना। तो अभी आज के लिए बस इतना ही, गुड नाइट, टेक केयर, बाय बाय, और आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो अभी मैं